विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमनान ज्वेल्स, शाली बंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन, सोशल वर्कर। खुसूस में ये भैया मेरे को फ़ोन कर रहे थे, भाई कुछ काम की वजह से ना उठा सका फ़ोन। आ रहा हूँ बोला, आज चार मीनार बस स्टैंड कने ठहरा हुआ हूँ मैं। आज लोग इतने परेशान है अलीम भाई, हम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। 15 से 20 हज़ार मलिकान दिए, लाखों रुपये एडवांस दिए घरों का बोल रहे। अब भाइयों की क्या परेशानी है, भाई की मुजबानी पूछिए। हेलो सलामुअलैकुम भाई, परेशानी ये है, ये ऑटो वालों से बहुत तकलीफ़ है। सामने पूरे दुकानों के सामने लगा दे के दुकाना बंद कर दिए, हमारा कारोबार पूरा बंद हो गया, मड़गियाँ बंद हो गए। हटाओ बोले तो लड़ने को आ रही। हमारा स्टाफ है, हमारा अड्डा है, ये हमारी पार्किंग है, हम आपको अड्डा दिए सो है, ऐसा बोल रही। और ऑटो में बैठ के पूरे पीना खाना गंजटियाँ पूरे ऑटो में भरे हुए है भाई, ज़रा क्या है इसका आप करिए। बसा टनने हो रही, बसों को रोक दे रहे हैं, ज़्यादा बोले तो लड़ने को आ जा रही। बसों के आईने फोड़ दे रही, बसें वालों वालों को, बसा वालों को डरा रही कर रही। ज़रा इसका मसला हल करिए साहब, जो भी है इसके ज़िम्मेदार, ज़रा मसला हल करिए। मलगियों का क्या है आप? मलगियों का हमारा किराया दे रहे हैं साहब, बंद रख के रख किराया दे रहे हैं, रास्ता ही नहीं रख रहे हैं मड़गियाँ वालों को। बस का क्या मसला है? बसों का ये बसा जो टन हो रहे हैं, बस को टन तक नहीं होने दे रहे हैं। जब तक उनका ऑटो नहीं भरा, ऑटो नहीं निकाल रहे हैं वहाँ से, बस को तक रुका दे रहे हैं लोग। पूरे ऑटो वाले लड़ने आ रहे हैं और एक कारोबार नहीं कर रहे हैं, घंटों एक एक घंटा लगा के ठहर जा रहे हैं। और इन लोगों के पास ना लाइसेंस है, ना पेपर है, ना कोई है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भाई, 15-20 साल के बच्चे ऑटो चला रहे हैं, कने लाइसेंस है ना पेपर। गांजा भी मार रहे हैं, सिगरेट भर के पी रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं यहाँ पे। ज़्यादा कुछ बोलते हैं, लेडीज़ को छेड़ रही कर रही, लेडीज़ बैठना भी मुश्किल हो गया ऑटो में। ये चार मार मुखाम है बस डिपो के अपोजिट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रज़ाक है। मैं पुलिस वालों से, पुलिस महकमे से गुजारिश करता हूँ कि ऑटो वाले जैसे बहुत ट्रैफिक जाम कर दे रहे हैं, टर्निंग पूरी जाम रहती, बसेस वगैरह को भी जाने मुश्किल होती, साथ ही साथ एम्बुलेंस वगैरह को भी बहुत तकलीफ़ होती। तो और साथ ही साथ ये पीछे दुकान वगैरह भी बंद हो जा रहे हैं, तो तवज्जो देके ज़रा ऑटो वालों का भी मसला हल कर देना। इनको जगह दे दिया तो ये लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर जैसो पानी का भी मसला है, साथ ही साथ को भी बहुत तकलीफ़ है। किसी का 50,000 का मोबाइल रहता, किसी का 40,000 का मोबाइल रहता। आप देख सकते हैं, देखिए ऑटो वाले थाने से ये कितनी ट्रैफिक जा रही है। देखो बस वाला मुड़ नहीं सक रहा है, आप देख सकते हैं। आप देखो, आप ये बस वाला आने जाना, ऑटो वाले ये तालाब कट्टे को ऑटो वहाँ जाते, ये एक जुल्म है ऑटो वालों का। आप देख सकते हैं, देखो बस वाले को बहुत मुसीबत हो रही है, बच्चा भी लड़ने जा रहा ऑटो वालों से। आगे लियो भाई ज़रा, देखिए बच्चा ऑटो वाला लड़ने जा रहा थन के। आगे ले, ऐसी ले लो, आगे ले लो, चलो चलो चलो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरे ऑटो वाले थर के ज़्यादा बोले तो लड़ने जा रहे हैं, और बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर। आप देखिए इधर बहुत परेशानी हो रही है। इधर बताओ भाई, आपको यही चाहिए मैं बोलने का था कि यहाँ पर के हमारे ACP ट्रैफिक वालों से गुजारिश है, संस्था तक एक्शन लिया जाए और देखा जाए। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन, सोशल वर्कर। पूरा बताना पड़ता भाई, पूरा का बताना पड़ता। लेंदो। बाबा नगर, बाबा नगर इधर।